हेलो बच्चों वेलकम टू द चैनल वेलकम टू वीडियो जैसा कि पहले हम कई बार देख चुके हैं कि जब हम कोई नया कॉन्सेप्ट समझते हैं सीखते हैं तो उसके लिए एक फंडामेंटल जो इंग्रेडिएंट है वो है थिंकिंग जिसको बूस्ट करने के लिए टी क्यूज हम लोग कंटिन्यूसली तुम्हें दे रहे हैं यू आर डूइंग दैट्स वेरी नाइस बट जब थिंकिंग की बात आती है तो हमें कुछ चाहिए होते हैं कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजीज ऐसे जो बड़े क्वेश्चन भारी मुश्किल क्वेश्चन के लिए वर्क करें जैसे कि ए आई लेवल जो ऑल इंडिया पेपर्स होते हैं जिनको तुम जेई के लिए प्रिपेयर करते हो आखिर वो कौन सा एक कॉन्सेप्ट है जो कई क्वेश्चंस में एक साथ लग जाता है इस तरह के कई वीडियोस पहले भी देख चुके हैं उसी सीरीज में नेक्स्ट वन हम बात करेंगे आज जेंसंस इनइक्वालिटी की जेंसंस इनइक्वालिटी बेसिकली एक ऐसा कोर कॉन्सेप्ट है जो मैथमेटिक्स के किसी भी दूसरे चैप्टर में किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी एप्लीकेबल हो जाता है चलो समझने की कोशिश करते हैं इसका कोर क्या है सो वी स्टार्ट विद समथिंग व्हिच वुड बी बेसिकली

तो हम कॉन्केविटी समझते हैं दो लैंग्वेज में कॉन्केव डाउन इसको हम कहते हैं डाउन जिधर ये मुंह ऊपर को लाओ और दिस इज कॉल्ड एस कॉन्केव अप लॉजिक ये है कि एंटायर सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू एक्सट्रीमिटीज या तो पूरा कर्व के नीचे है या पूरा कर्व के ऊपर और कर्व स्मूथ है तो हम इसको अगर सेक्शन फॉर्मूले से रिलेट करके लिखें तो हम इसके इंटीरियर में कोई भी पॉइंट ले सकते हैं विद सेक्शन फार्मूला हेल्पिंग इट एंड दैट इज लैमडा एक्स टू वन के रेशियो में लिख के तो हम लिखते हैं लैमडा टाइम्स एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन लैमडा प्लस वन दैट बिकम्स कोऑर्डिनेट एंड लैमडा टाइम्स एफ ऑफ एक्स टू प्लस वन टाइम्स एफ ऑफ एक्स वन अपॉन लैमडा प्लस वन दैट बिकम्स योर वाई कोऑर्डिनेट हमने ये इस पॉइंट के बच्चों वाई कोऑर्डिनेट निकाले अब अगर हमें यह समझ में आए कि ये जो वैल्यू ये जो पॉइंट आया है यह इस पॉइंट से हमेशा नीचे है तो हम कॉन्केविटी उसी अप्रोच से डिफाइन कर देते हैं तो अगर हम इसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट इसका निकालते तो हमारे पास एफ ऑफ लैमडा टाइम्स एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन लैमडा प्लस वन ये इसका वाई कोऑर्डिनेट वर्सेज लैमडा टाइम्स एफ ऑफ एक्स टू जानना समझना बहुत जरूरी क्योंकि फंक्शनल इक्वेशन के नाम पे जेई में वापस आता है एफ ऑफ एक्स वन अपन लैमडा प्लस वन इन दोनों के बीच में एक इनिक्वालिटी का रिजल्ट बनता है विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर ये हमारा जो पॉइंट यहां पे आया दिस वन ये नीचे लाइक कर रहा है लेस देन है तो कॉन्के डाउनवर्ड है अगर ये हमेशा अप है ग्रेटर देन है तो ये कॉनकेव अप है तो तुम अपने नोट्स में इसके लिए लेस देन और ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी लिख के कॉनकेविटी से रिलेट कर लो ये बात जैसे ही समझ में आती है इसी चीज को क्लास ट्वेल्थ में कैलकुलस से रिलेट करते हैं f डबल डैश x से तो हम यहां पे लिखते हैं कि अगर किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ये कॉन्केव डाउन है और सेकेंड डेरिवेटिव अप है तो पॉजिटिव है तो ये कॉनकेव अप है ये दोनों बातें जैसे ही हमें समझ आ जाती हैं रिलेट हो जाती हैं वो जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो जब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस पढ़ोगे सेकेंड डेरिवेटिव से तो वो इसी इनइक्वालिटी को यूज करके सेकेंड डेरिवेटिव भी रिलेट है यानी दोनों एक ही बात है

पॉइंट एक्स एन कॉमा एफ ऑफ एक्स एन यानी हमने सर्टन नंबर ऑफ पॉइंट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन ऑन द्राफ ले लिए और वो जो प्लॉट बना द पॉलीगॉन जो बना इनको ज्वाइन करने से करस्पॉन्डिंग दैट पॉलीगॉन लाइज बिहाइंड कॉन्केव बिलो द कॉन्केव ग्राफ बिकॉज कॉन्केव डाउन है अप होता तो ऊपर होता वी स्टार्टेड गेटिंग सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड हम बेसिक ज्योमेट्री में इससे पहले जो तुमने पढ़ा है उसमें पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं बेसिकली पॉइंट नेसेसरीली लाइंग इन साइड पॉलीगन तो वो अंदर ही लाई करेगा और इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे बाई एन सिग्मा एक्स आई बाई एन कॉमा सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई बाई एन इर्रेस्पेक्टिव कोई भी पॉलीगन हो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स यही है एक रूल की तरह जो अभी कर रहे हैं ये बार बार नहीं करेंगे दिस बिकम्स अ प्रोसेस जो हम हर बार जो है एज्यूम करेंगे ट्रू है एक रूल की तरह आई ड्रॉ व्हिच इज पैरल टू दी वाई एक्सिस मी से हमने कोई एक लाइन इधर से ले ली विच इज पैरल टू दी वाई एक्सिस एंड इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सेंट्रॉयड अगर ऐसा है तो ये जो पॉइंट आएगा इसका कोऑर्डिनेट अगेन दिस इज सिग्मा एक्स वाई बाय एन क्योंकि लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सेस तो एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं बट द वाई कोऑर्डिनेट बिकम्स एफ ऑफ सिग्मा एक्स आई बाय एन बस हमें हमारी इनइक्वालिटी ये वाई कोऑर्डिनेट कंपेयर करने से मिल गई एक का वाई कोऑर्डिनेट दूसरे से बड़ा होगा अगर कॉन्केव डाउन है या वाई से वर्षा तो हम रिजल्ट लिख लेते हैं जो तुम्हें याद रखना है जो तुमको डायरेक्टली अप्लाई करना है इस केस में गौर से देखो एफ ऑफ सिग्मा एक्स आई बाई एन नीचे है तो हम लिखेंगे सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई बाई एन विद इन ब्रैकेट्स ये जो सेंट्रॉइड वाला कोऑर्डिनेट है इज लेस देन एफ ऑफ सिग्मा एक्स आई बाई एन जो हमारा कोरोस्पॉन्डिंग पॉइंट आया एंड द इक्वालिटी में अचीव फॉर द सिंपल रीजन अगर सारे पॉइंट ही सेम कर दिए जाए तो पॉलीगन बनेगा नहीं वही है वही हमने अभी अभी एब्सॉर्व किया वगेन अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कॉन्केव डाउन है और उसमें हमने कुछ पॉइंट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्शन लिए हैं तो कॉन्केव डाउन में y की वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन इज लेस देन दी f ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ x वैल्यूज इस तरह से रिलेट कर सकते हो द मोमेंट दिस हैज डन ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल इनइक्वालिटी तुम्हारे पास आ गई अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं वेयर डू वी अप्लाई सबसे पहला सीक्वेंसेस की कुछ पावरफुल इनइक्वालिटीज हमने एक फंक्शन fx का पिक किया अपनी पसंद से नेचुरल लॉग ऑफ x

सिग्मा एफ ऑफ फिर यहीं से देखते चलना एफ ऑफ एक्स आई बाई एन यानी एल एन एक्स आई एक्स आई बाई एन इज ऑल द टाइम लेस देन और इक्वल टू एल एन ऑफ सिग्मा एक्स आई बाई एन बात में दम है जब हर फंक्शन के के लिए लिए ट्रू ट्रू है है तो लॉग भी है, और अगर लॉगरिथम के लिए ट्रू है तो लॉग की एल एन एक्स वन प्लस एल एन एक्स टू प्लस डॉट एल एन एक्स एन बाई एन इज लेस इक्वल टू द सेम थिंग जो कि हो जाएगा एल एन ऑफ एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू डॉट एक्स एन

वो दुनिया जानती है बाय द नेम अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू द जोमेट्रिक मीन हेंस प्रूफ दिस इज योर अरिथमेटिक मीन दिस इज योर ज्योमेट्रिक मीन एंड सिंस लॉगरिथम इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर्स इसलिए हम कहते हैं कि ए एम जी एम हम लगाते हैं फॉर पॉजिटिव नंबर्स दो बात एक क्या यही प्रिसाइजली एम जीएम का इकलौता प्रूफ है नो no. और भी हैं इससे बेटर हैं लेकिन यह भी एक प्रूफ है दिस आल्सो एज ट्रीटेड एज अ प्रूफ ऑफ एम इज ग्रेटर इक्वल टू दूसरी इंपॉर्टेंट बात अब लॉग एक्स ने एक एक प्रूफ दिया है इनइक्वालिटी दी तो इसका मतलब हर कॉन फंक्शन एक इनइक्वालिटी जनरेट करेगा एवरी कॉनकेव डाउन फंक्शन इज अ रेडीमेड रेसिपी फॉर क्रिएटिंग सम इनइक्वालिटी इन इक्वालिटी एब्सोल्युटली करेक्ट लेट अस सी अ फ्यू मोर वन दिस टाइम आई टेक एक्स एज पॉजिटिव मैंने डेलिबरेटली ले लिया और ग्राफ एफ एक्स का यूज किया वन अपॉन एक्स हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है हम सबसे पहले सिग्मा एफ आई बाई लिखते हैं। दूसरी तरफ एफ ऑफ सिग्मा एक्स आई बाई एन लिखते हैं इस बार डेफिनेटली इनइक्वालिटी का साइन पिछली बार से उल्टा होना चाहिए तो उसको देख के लिख लो एफ का नाम वन अपॉन एक्स है सो वन अपॉन एक्स वन प्लस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स आई बाई एन है राइट सो वन अपॉन एक्स वन प्लस वन अपॉन एक्स टू प्लस डॉट 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 वन अपॉन एक्स एन बाई एन ये यहां आएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये वन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट 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 एक्स एन बाई एन हो जाएगा ध्यान से देखना सिग्मा एक्साइ बाई एन उसका रेसिप्रोकल और ये रेसिप्रोकल के केस में ये सिग्मा डायरेक्टली लिखा इसको रीअरेंज करो दुनिया इसको इज इस ग्रेटर देन इक्वल टू हम के नाम से जानती है है प्रॉब्लम सिंपल ये ये इधर लाओ एन अपॉन दो हार्मोनिक मीन यानी हार्मोनिक मीन की जो रिजल्ट है वो भी वन अपॉन एक्स के ग्राफ से है कंडीशन पॉजिटिव इसलिए ली क्योंकि नेगेटिव में वो कॉन्केविटी की डेफिनेशन चेंज कर देता था दैट एग्जैक्टली इज द रिजल्ट एक और देखते हैं सिक्वेंसेस की दुनिया में एक बड़ा पावरफुल थेरम है दैट अरिथमेटिक मीन ऑफ एम एथ पावर इज ऑल द टाइम ग्रेटर दैन इक्वल टू दावर ऑफ अरिथमेटिक मीन इफ द बिगर थिंग इज इफ एम कैन टेक एनी रियल वैल्यू अदर देन समथिंग लाइंग बिटवीन जीरो एंड वन यानी एम की वैल्यू रूट टू रूट सेवन वन से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो माइनस इंफिनिटी से जीरो पे कोई भी वैल्यू ले लो ये इन इक्वालिटी लेगी एंड द मैजिकल पार्ट इज इन इक्वालिटी चेंजेज इफ एम बिलोंग्स टू ओपन जीरो टू ओपन वन इक्वालिटी होल्ड यह भी लिखते हैं साथ में इक्वालिटी होल्ड इफ एम इज इधर इक्वल टू और इज इक्वल टू वन और ऑल आर इक्वल वो तो होगा हो ही होगा अब ये क्या रिजल्ट है यूज तो करते हैं कहां से आया कहां से आया से पहले इस स्टेटमेंट का थोड़ा सा लैंग्वेज के बजाय इनइक्वालिटी का मीनिंग समझते हैं तीन या चार के लिए लिख लेते हैं तो दिस वुड बी समथिंग लाइक ए रेस टू एम प्लस बी रेस टू एम प्लस सी रेस टू एम बाई थ्री तीन नंबर का अरेथमेटिक मीन ऑफ एम एवर इज ग्रेटर टू एमथ पावर ऑफ दीन प्रोवाइडेड एम बिलोंग टू दिस और यह सारा काम किया बट किया किसने प्रूफ जें इन इक्वालिटी ऑन द्राफ वाई इज इक्वल टू या एफ एक्स लिखो यू आर राइटिंग दैट लैंग्वेज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एम

तो जब एम पॉजिटिव था इंक्रीजिंग, एम पॉजिटिव था इंक्रीजिंग एम नेगेटिव था डिक्रीजिंग, बट हमें इंक्रीज डिक्रीज से फर्क ही नहीं पड़ता है एम इंटू एम माइनस वन टाइम्स एक्स रेस टू एम माइनस टू इज योर सेकंड डेरिवेटिव एम माइनस एम इंटू एम माइनस वन जीरो से वन में नेगेटिव होता है रेस्ट ऑल इजेंसन अप्लाई करो इस बेहतरीन रिजल्ट को याद करो।

जब क्वेश्चंस देखेंगे तो यू विल रिकॉल दिस की बार टाइम एंड अगेन ये आता है ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं हमें किसी ने कहा कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी वाई नॉट शो दैट साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी

रूट थ्री बाई टू दिन हो सकता है कि किसी दुनिया के लिए ये एक बड़ा रिजल्ट हो बट तो दिशा और कहा जा सकता है एक ट्रिग्नोमेट्री में रिजल्ट यूज होता है दट इन ट्राइंगल ए बी सी वाई नॉट ट्राई टू स्टैब्लिश कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल टू थ्री बाई टू वेक्टर से ट्राई करते हैं क्वॉड्रटिक थी जेंसन से कैसे ट्राई कर सकते हैं, के में like कर रहे हैं और जीरो टू पाई में कॉक्स तो कॉन्केव है बट स्टिलॉज ऑफ अ सिंपल रीजन कि जो हमारे दो पॉइंट होंगे ए बी और सी उसमें से दो एंगल किसी भी सिचुएशन में बाहर नहीं लाई कर सकते मोर देन पाई बाई टू वट आई एम ट्राइंग टू से अगर ट्राइंगल के दो एंगल्स तुमने ए कॉमा कॉस ए और बी कॉमा कॉस बी लिए हैं सो वो दोनों एक साथ 90 से बाहर नहीं जा सकते और तीसरा पॉइंट तुम हद से हद एक ऑप्टिवज एंगल ले सकते हो सी कॉमा कॉस सी तो जो ट्राइंगल तुम्हारा बनेगा बिकॉज ये वो ट्राइंगल नहीं है ट्राइंगल एबीसी दिस इज द फॉर जेंसन जिसमें तुम सेंट्रॉयड की वर्किंग करोगे वाला पोर्शन दैट इज ऑन पाई बाई थ्री बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री तो पाई बाई थ्री है वो जो पोर्शन है दैट ने लाइज बिलो द कर्व बिकॉज वहां कॉन्केव डाउन है अगर वो पॉइंट डिस्टाइंड है और नंबर ऑफ अगर ये दो पॉइंट इस तरफ होते देन इट वॉज अ चैलेंज कि हम कैसे कहेंगे बट यहां तो कोई है नहीं सो वी कैन इजीली से दैट कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस इजीली तो नहीं बट देन यस बाई थ्री इज एसेंशियली लेस देन इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री एंड हेंस वी आर डन यह भी ध्यान रखने की चीज है जेंसेंस इन में उस शेप और उस पॉलीगन के साथ सेंट्रॉइड की लोकेशन भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि वो किस पोजिशन पे है एक और रिजल्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जाता है इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ए बी सी शो दैट

और कॉन्केव अप होने का मतलब हम इसमें डायरेक्ट रिजल्ट लगाएंगे टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी वो बाद में प्रोडक्ट आएगा बाई थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू टेन ऑफ ए प्लस मतलब अब जब भी तुम्हें जेई के मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे जिसको तुम सॉल्व कर रहे हो और फंक्शन का ग्राफ कॉनकेव है अप या डाउन दिख रहा है उतने इंटरवल में कॉनकेविटी के रिजल्ट को यूज करके क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है यू नीड टू बी जस्ट अलर्ट कि हां जेनस इन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है लास्टली एक और पावरफुल चीज जेई में यूज हुई है क्या फंक्शन सिर्फ यही रिजल्ट देता है तो अब बड़े ध्यान से देखना एक फंक्शन एफेक्स है मान लो कॉनकेव अप है और कैलकुलस में एक इनिक्वालिटी किसी ने बनाई अब कैसे बनाई वो बताते हैं उन्होंने कहा कि बेसिकली ये फ्रेम में ए टू बी के अंदर फंक्शन कॉनकेव अप है और उसी में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया और ये जेई ने एक बार पूछा भी हुआ है तो हमें ये रियलाइज होता है कि फंक्शन जो कि कॉनकेव डाउनवर्ड है या अपवर्ड है वो अपनी एक्सट्रीमिटीज को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट से एक इन क्रिएट करता है और लाइन सेगमेंट या लाइन की इक्वेशन आ जाती है।, as as that, ये वाला A, A है और ये वाला पॉइंट बी कॉमा एफ बी है तो आई कैन गेट दिस लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म और यहां हमारे प्रॉब्लम का स्टार्टिंग पॉइंट यही हो जाता है वाई एज एन एफ एक्स इज लेस दैन इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज ए टू क्लोज बी अब इस इन इक्वालिटी पर डेफिनेट इंटेगर लगाओ कोई और वर्किंग कराओ जो मर्जी आए वर्किंग कर लो बट इन कैलकुलस टू बिगिन विद इनक्वालिटी अगर किसी ने सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव दे के हिंट किया है कॉन्केविटी का तो कॉन्केविटी डेफिनेटली लीड्स टू एन इनिक्वालिटी ऑफ द फंक्शन विध इट्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक्सट्रीमिटी इतना सब कुछ एक उसमें है जोमेट्री और ओलंपियाड के रिजल्ट में तो तुम अलग अलग फंक्शन से बड़े बड़े तो हमें यह पता होना चाहिए कि जिसकी कॉन्केविटी नहीं बदल रही है उस केस में यह बहुत पावरफुल वर्क करता है जाते जाते तुम्हें एक फूड फॉर थॉट दे के जाते हैं से फॉर एग्जाम्पल हमने एक ट्राइंगल ऐसा जोड़ा और इसके रिजल्ट पे बड़े दिनों से कॉपी जेंसन कर लिया रिजल्ट भी आ गया क्या इसके बियॉन्ड सोचने की कुछ जरूरत या स्कोप है अगर फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड है तुमने सेंट्रोइड निकाला तुमने अभी इस वैल्यू को इससे कंपेयर कराया है वाई कोऑर्डिनेट विच यू हैव डन एंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट अगर हमें फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव भी बता दिया जाए मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव तो क्या उस केस में ये वाला कंपैरिजन मेक सेंस क्या यह किसी क्वेश्चन की रेडीमेड रेसिपी है या इट्स जस्ट अ फ्लूक ऑफ माय माइंड ये तुम्हें सोचना है लेकिन अगर आज सोचोगे कल क्वेश्चन बन गया तो यू वुड बी दी फर्स्ट वन टू एक्नोलेज है अदरवाइज उस क्वेश्चन के होने के बाद बाकी लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे पढ़ाना शुरू करेंगे देखना शुरू करेंगे अगर हमने फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे दिया तो इधर कोई पॉइंट मिलेगा नहीं इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट में भी एक कंपैरिजन है इनफैक्ट पता नहीं और क्या क्या है अगर फंक्शन इन्वर्टेबल है तो उसके बारे में भी कुछ पता है सो दिस लीव्स अ ओपन स्कोप कि तुम अनलिमिटेड थॉट इसमें ला सकते हो कॉन्केविटी के इट्स जस्ट दैट कि आज हमने एक कंकर डाल के उसको स्प्लैश किया है कि तुम्हारे दिमाग में यह रहे कि हाँ कॉन्केविटी

कोई रिजल्ट निकाला है बाई अप्लाइंग दिस रिजल्ट दिस इन इक्वालिटी चार्ट बॉक्स में डालना यू ऑल नो दैट वी ऑल रेस्पॉन्ड एंड सी योर कमेंट्स रेगुलरली ऑल दी वेरी बेस्ट थैंक यू बाय